हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी हॉल्टर टॉप बनाना बताएंगे। देखिए, ये हमने प्लाजो बनाया था, तो इस प्लाजो के मैचिंग में हम ये टॉप बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है, तो जो इसकी लेंथ है वो है, हमने रखी है 18 इंच, और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। पहले ये 2 फोल्ड किया है, ये देखिए इस तरह से, फिर हमने इसे इस तरह से डबल फोल्ड 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से ऊपर से, ये हमारा बंद साइड है और ये हमारा खुला साइड है, तो यहाँ से हम 6 इंच इसका तीरा लेंगे ऐसे, और 6 इंच हम, 5.5 इंच हम इसके आर्म होल लेंगे, यहाँ भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से मिला दिया है, यहाँ से हम 7.5 इंच पे यहाँ चेस्ट पे निशान लगा देंगे, यहाँ से छः इंच नीचे आएंगे, यहाँ पे हम 7 इंच पे लगा देंगे, इस तरह से यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे, और जो ये हमारे आर्म होल हैं यहाँ पे हम इसको तिरछा कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो चुकी है, ये हमारे दोनों पर्दे हैं। देखिए, हम अपने प्लाजो का कपड़ा लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम आर्म होल पे, इसे बैक साइड लगाएंगे इस तरह से, बैक साइड लगा के और इसको हम फ्रंट की साइड इस तरह से टर्न कर देंगे। पहले हम यहाँ पे एक पट्टी लगाएंगे ऐसे तिरछी, यहाँ पे लगाएंगे अपने दोनों पर्दों में आर्म होल पे तिरछी पट्टियाँ लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी हमने इस तरह से लगा दी है, अब हम इनको सीधी साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे ऐसे, फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पे दोनों साइड, इसी तरह से अपने दोनों पर्दों में हम कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों पर्दे अपने रेडी कर लिए हैं, अब हम यहाँ पे मोटी सिलाई लगा देंगे अपने आर्म होल के साइड, यहाँ पे दोनों में, और उसमें इस तरह से प्लेट्स डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मोटी सिलाई लगा दी है, अब यहाँ से हम एक धागा पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे, इसमें गैदर्स डल जाएंगी इस तरह से, यहाँ से भी पकड़ेंगे, इसमें गैदर्स डालेंगे ऐसे, और ये हम 4.5 इंच के करीब रखेंगे, 4.5 इंच के करीब रखेंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे, और इसी तरह से हम अपने दूसरे को कर लेंगे। देखिए, हमने दोनों कर लिए हैं, इक्वल करेंगे इनको दोनों को ऐसे, और अपनी जो हमने ये ली थी ब्लू पट्टी लेंगे, 30 इंच की हम एक ब्लू पट्टी ले लेंगे ये रही, और यहाँ से इसको लगाएंगे, ये पट्टी हम इसी तरह से उल्टे साइड लगाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, दोनों साइड इक्वल इक्वल छोड़ेंगे ऐसे लगाएंगे, और फिर हम इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे। पहले इसको हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे उल्टी साइड पट्टी को, अपना एक पर्दा लग के इस पर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से सिल दिए, अब यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये अपना दूसरा वाला पर्दा है हमारा, उसको लगा देंगे ऐसे, यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे इसमें इस तरीके से।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों लगा दिए। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से पूरे में इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इसमें, ऐसे किनारे किनारे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फोल्ड कर दिए। अब इसको इस तरह से यहाँ से हम इसकी फिटिंग कर देंगे दोनों साइड से, और यहाँ से नीचे से हम इसको इसकी बॉटम फोल्ड कर देंगे ऐसे, नीचे से बॉटम फोल्ड कर देंगे और इसकी फिटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी फिटिंग कर दी है और ये नीचे से भी हमने इसको फोल्ड कर दिया है। फ्रेंड्स, ये हमारी टॉप सिल के रेडी है। ये बहुत ही सुंदर लग रही है। साइड में हमने इसे टाई किया है यहाँ पे, और आप चाहें तो इसे टाई फ्रंट में भी टाई कर सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी बच्चों के लिए। और इसमें बैक में भी देख लीजिए, इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। और इसकी के मैचिंग में हमने ये प्लाजो बनाया है, तो जो हमारे टॉप का कलर है वही प्लाजो में हमने डिज़ाइन लगाया है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।